Hey, hello everyone. Good morning to all of you. Let's start the lecture. हम लोग heat and thermodynamics पढ़ रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं. Heat and thermodynamics. अभी तक जितना पढ़ा है अगर उस पर कोई confusion, clarification का requirement हो तो आप पूछ लीजिए. और in case everything is fine, so जहाँ पर हम लोग ने last class को फिनिश किया तो उसके आगे बढ़ सकते हैं. हम लोग इसमें काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं. मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ. हम लोगों ने बात किया था हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है. वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज अ कैलोरीमेट्री, इट्स प्रिंसिपल और हाउ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स बिहेव विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, फेज चेंज, हीट का हीटिंग कर्व एंड ऑल दैट. फिर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रखा है. आपने भी लास्ट टेस्ट में यूज भी किया है थर्मल एक्सपेंशन. एंड आफ्टर दैट हम लोग हीट ट्रांसफर की बात कर रहे थे. हीट ट्रांसफर, इस हीट ट्रांसफर के मोड, देर आर थ्री मोड्स. फर्स्ट इज अ कंडक्शन. आपने देखा लॉट ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट में आए हुए थे कंडक्शन से रिलेटेड. एंड नेक्स्ट वाज कन्वेक्शन. And the last is radiation. So we are on this radiation as of now. Radiation के concepts को learn कर रहे हैं. तो उस पे heat का जो transfer rate होता है उसको identify करने की कोशिश कर रहे थे. Conduction का आपने heat transfer rate identify कर लिया, उसको याद रखना होता है dq by dt is equal to minus ka dt by dx. जहाँ पर dt by dx is temperature gradient. इसका जो dq by dt आया था, the rate at which the heat transfer takes place is ha temperature difference T1 minus T2. So ये दो formulas आप जानते हो. Third के लिए अपने को dq by dt चाहिए. यहाँ तक हम लोग अभी और रेडिएशन में dq by dt निकालने के लिए बहुत सारे टर्म्स को आपने लर्न किया था. जैसे प्रिगोस थ्योरी देखा था, हीट एक्सचेंजेस रहते हैं बॉडीज और सराउंडिंग के बीच में, ये कंटिन्यूअस फिनोमिना होता है और चलता रहता है. अगर बॉडी आपका ज़्यादा टेम्परेचर का है, दैट मीन्स बॉडी आपका वार्म है या हॉट बॉडी है. सो लेट्स से ये आपका बॉडी है एंड दैट इज हैविंग टेम्परेचर टी, सराउंडिंग एज अ टेम्परेचर टी नॉट. अगर टी बड़ा है टी नॉट से, इफ देन यू विल फाइंड कि हीट लॉस ज़्यादा होगा और हीट गेन कम होगा. So in nut cell there will be heat loss. So ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर ये U1 amount से heat को loss करता है और U2 amount से heat को gain करता है, so rate of heat transfer अपने को मिल जाएगा U1 minus U2. U1 minus U2 will be basically dq by dt of the body, net. U1 भी dq by dt है, लेकिन वो है जो body से emit हो रहा है. और U2 dq by dt है जो बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है. नाउ ये एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन कंटिन्यूअस फिनोमिना होता है एट ऑल टेम्परेचर्स पर एज पर द प्रीवियस थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस. तो इस मोमेंट पर जो आपके पास मोबाइल या जो भी डिवाइस है, जो भी ऑब्जेक्ट आपके सराउंडिंग में, आप उस ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व करोगे, देन यू विल फाइंड ये कंटिन्यूअसली एनवायरमेंट को हीट दे रहा है और एनवायरमेंट कंटिन्यूअसली इसको हीट दे रहा है. और एक समय आने के बाद ये जो भी बॉडीज हम लोग देख रहे हैं सराउंडिंग्स में, वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ गया. उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों बराबर हो गया. दोनों का बराबर हो गया, इसका मतलब द अमाउंट ऑफ हीट इट इज एब्जॉर्बिंग एंड द अमाउंट ऑफ हीट इट इज रिजेक्टिंग और रिलीजिंग और इमिटिंग बोथ आर इक्वल. सो जब दोनों के टेम्परेचर बराबर हो जाते हैं, सो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है और उस कंडीशन में दोनों हीट्स का एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन बराबर होता है, लेकिन होता जरूर है. तो दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस. और अगर अदरवाइज होगा, T2 ज्यादा होगा T1 कम होगा, तो फिर एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा होगा और इमिशन का कम होगा. इन रेट्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस चल रही है कि वो इक्विलिब्रियम सेटल करने की कोशिश करता है. जिसका ज्यादा टेम्परेचर होता है वो हीट ट्रांसमिट करता है, इमिट करता है, जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है. फिर उसके सराउंडिंग से टेम्परेचर्स का इक्वेशन हो सकता है, यानी दोनों बराबर हो सकता है. इसको प्रीवियस थ्योरी में पढ़ा था. फिर आपने कुछ और भी टर्म्स पढ़े थे, लाइक एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ा होगा,
कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है, इमिसिव पावर पढ़ा होगा, इमिसिविटी के बारे में पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा होगा, और उन्हीं को यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. सो नेक्स्ट वी कैन राइट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. और इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये U1 U2 की जो वैल्यूज है उनको पता कर पाते हैं. सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा बोला जाता है कि अगर अपने पास कोई ब्लैक बॉडी है तो लेट्स से पहले मैं समझा देता हूँ. लेट्स अपने पास एक ब्लैक बॉडी है. ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन आपको याद रखना है, अ बॉडी विच absorbs all the radiations falling on it. तो अगर किसी बॉडी पे जितने भी रेडिएशन आते हैं सारे के सारे absorb कर लेते हैं, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं. अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, सो जिस रेट से ये हीट को इमिट करने वाला है सराउंडिंग को, प्रीवियस थ्योरी में भी आपने देखा था कि जो हीट का इमिशन होता है किसी बॉडी से, वो बॉडी के टेम्परेचर और बॉडी के एरिया पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, वो सराउंडिंग पर डिपेंड नहीं करता, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता. सो द रेट एट विच दिस इज गोइंग टू बी इमिटेड, दैट मीन्स यू कैन कॉल इट एज यू और डी क्यू बाई डी टी और व्हाटएवर. सो द रेट ऑफ हीट इमिशन और रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर टी डिपेंड्स ऑन द फोर्थ पावर ऑफ दिस टेम्परेचर. सो इसके फोर्थ पावर पर डिपेंड करता है ये बोल्ट्जमैन स्टीफन को लॉ है. मैं लिख देता हूँ इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में. फॉर अ ब्लैक बॉडी ऐसा लिख सकते हैं, द रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम इट पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लिखेंगे, उसके टी की पावर 4 पर रहेगा. सो वी कैन राइट इट एज लाइक डी क्यू बाई डी टी इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू, और पर यूनिट एरिया है सो आपको इसके साथ पर यूनिट एरिया भी लगा देना चाहिए. सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू बेसिकली टी रेज टू पावर 4. आप चाहो इसको रीराइट कर सकते हो, डी क्यू बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी दैट कैन बी रिटन एज दिस इज प्रोपोर्शनल टू ए टी रेज टू पावर 4. ए इज द सर्फेस एरिया ऑफ द बॉडी. नाउ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक सिंबल को लाना पड़ेगा, तो डी क्यू बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी, एक सिग्मा सिंबल लगा देते हैं, ए टी रेज टू पावर 4. सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला, रेट ऑफ हीट रेडिएशन और हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4. यहाँ पर सिग्मा को हम लोग स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं, स्टीफन्स कांस्टेंट और स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, तो इसकी वैल्यू आप याद रख सकते हो और उसी को आपको यूज कर लेना है. एरिया के बारे में आपको पता है, एरिया है उसकी वैल्यू मैं भी बताता हूँ. एरिया की जो वैल्यू होती है, एरिया को हम बोलेंगे वो सरफेस एरिया होगा. अब मैं सोचा था कुछ लोगों को पता हो सिग्मा की वैल्यू, एनीबडी नोज दैट. याद रखना ये बात काफ़ी आसान होता है, सिक्वेंस में नंबर होता है 5.67 × 10⁻¹⁸. यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाट पे हो जाएगा, एरिया और टेम्परेचर को यूज़ कर लेंगे. सो इसका यूनिट भी हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट होता है, जूल पर सेकंड और वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू पावर 4. सो कई बार एग्जाम में इसका यूनिट पूछ लिया जाता है क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल है.
और डायमेंशन पूछेगा तो अभी आपसे डायमेंशन निकाल सकते हो। ए का मतलब सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी हो जाएगा, और टी टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी टेम्परेचर इन केल्विन। सर सेकंड्स भी आएंगे ना? ये वैट लगा देना अपने, सो जूल पर सेकंड इसके साथ आ गया। सर जो स्टीफन्स कांस्टेंट है वो तो मटेरियल का मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हाँ ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, नहीं नहीं स्टीफन्स कांस्टेंट एक जनरल कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट एक जनरल कांस्टेंट है, वो रेडिएशन से लिंक है। सर मटेरियल का कुछ रोल? मटेरियल का रोल इस पे नहीं रहता, कोई भी मटेरियल होगा रेडिएशन हो रहा होगा तो सिग्मा ये रहेगा, मतलब ये रेडिएशन प्रोसेस से लिंक है। तो जब कोई भी रेडिएशन हो रहा होगा तो उसमें उसका रेट निकालने के लिए कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से मटेरियल की बॉडी आप ले रहे हो। सो इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट्स अ कांस्टेंट, जस्ट लाइक पाई एक कांस्टेंट होता है, उस तरह का एक कांस्टेंट है। ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। और ए सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी होता है। सो अगर कोई भी बॉडी हो किसी भी मटेरियल का बनाओ, सिग्मा की वैल्यू ये रहने वाली है। डायमेंशन आपको क्लियर होगा, वैट उसको जूल पे लिखोगे तो जूल एक पर सेकेंड भी आ जाएगा, उसको भी यूज कर लेंगे और कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर को केल्विन पे लिखना है, मस्ट है, यहाँ पर आप उसको डिग्री सेल्सियस पे नहीं लिख सकते हो। ये किसके लिए निकाला गया है? ये ब्लैक बॉडी के लिए निकाला गया। अब हम लोग किसी भी नॉर्मल बॉडी के लिए या जनरल बॉडी के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था इमिसिविटी लास्ट लेक्चर में, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको कॉपी कर लो, एक बार समझ लो, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि जनरल बॉडी यानी किसी भी बॉडी के लिए, नॉर्मल बॉडी के लिए रेट ऑफ हीट इमिशन कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, और देन फिर नेट हीट का ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। हाँ वींस लॉ इसके बाद आएगा, सो अभी हम लोग सिक्वेंस वाइज आगे बढ़ रहे हैं। नाउ इनकेस अगर आप याद रखो कि इमिसिविटी का एक फॉर्मूला बताया था, इमिसिविटी इमिसिविटी इज ई इज इक्वल टू द रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय रेडिएशन, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर। यस, सो दैट डजंट डिपेंड ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर, जो रेट ऑफ इमिशन होता है वो बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अपने प्रीवियस थ्योरी के दो स्टेटमेंट लिखे थे, अगर आप उससे मैच कराओ तो हम लोगों ने ऐसा लिखा था कि जो रेट ऑफ इमिशन होता है यू या यू वन नाम दिया था, दैट इज अ फंक्शन ऑफ ए और टी, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ द बॉडी एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। That was the first statement of Prevost's theory of exchanges. तो Prevost's theory ने इसी को qualitatively बताया था कि किस किस बात पर डिपेंड करता है। Stephens Boltzmann एक स्टेप आगे गए और उन्होंने फॉर्मूला बताया कि A पर भी डिपेंड करता है, T पर भी डिपेंड करता है, और A और T के साथ फॉर्मूला क्या बनता है, ये फॉर्मूला है। सो Stephens Boltzmann ने मैथमेटिकल रिलेशन दे दिया जिससे हमको सॉल्विंग करना आसान हो गया। Prevost ने केवल ये बताया था किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये केवल दो ही बातों पर डिपेंड कर रहा है, ए पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिग्मा एक कांस्टेंट नंबर है, वो सभी बॉडीज के लिए सेम रहने वाला है। सो यहाँ से अपने को ये पता चल गया। अच्छा, इमिसिविटी की डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखा था, इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी डिवाइड बाई इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिवाइड बाई इमिसिव पावर, या फिर रेडिएशन कुछ ऐसा लिखा होगा, रेट ऑफ हीट रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। सो टेम्परेचर दोनों बॉडीज का सेम होना चाहिए। तो अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो फिर इमिसिविटी उनको आपस में लिंक करती है। अच्छा, इमिसिव पावर या जो रेडिएशन पावर है एक बॉडी का, तो हम लोगों ने पता कर लिया, ब्लैक बॉडी का पता कर लिया, बॉडी का पता करना है तो इसको यूज कर सकते हैं। ई को लिख सकते हैं जो डी क्यू बाई डी टी है रेडिएशन का ऑफ एनी बॉडी डिवाइड बाय डी क्यू बाई डी टी ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। सो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, उसी टेम्परेचर पर हम कंपेयर कर रहे हैं। सो वी कैन से कि जो रेट ऑफ रेडिएशन आएगा, इमिशन का रेट आएगा किसी भी बॉडी के लिए,
दैट विल बिकम ई टाइम्स डी क्यू बाई डी टी ऑफ ब्लैक बॉडी. सो ब्लैक बॉडी का जो रेट ऑफ इमिशन है उसके साथ अगर आप ई से मल्टीप्लाई कर दें तो बॉडी के बारे में पता चल जाएगा. जो ये ई होता है ये बॉडी पे डिपेंड करता है, यानी ई ये जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है. सो आप कौन सा मटेरियल का बॉडी लेते हो उसके अकॉर्डिंग ई की वैल्यू अलग अलग होती है. और हम लोग जानते हैं कि ई की वैल्यू का एक रेंज होता है, ई की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक होती है. 1 किसके लिए होती है? ब्लैक बॉडी के लिए होती है. सो यहाँ से अपने को पता चल गया कि जो डी क्यू बाई डी टी है किसी भी बॉडी के लिए रेडिएशन हैज अ फॉर्मूला ई इंटू, इसका फॉर्मूला वहां से बारो कर लेते हैं. वहां से अपने को मिला था सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4. सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट फॉर एनी बॉडी विच इज हैविंग इमिसिविटी ई. सो अगर आपने को किसी बॉडी के बारे में पूछेगा तो इमिसिविटी की वैल्यू देगा जो कि 0 और 1 के बीच में आएगी. सिग्मा आपको पता रहेगा, ए सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी होगा, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी होगा, सब आपको पता होंगे. तो यहाँ से हम बता सकते हैं द रेट एट विच द हीट इज बीइंग इमिटेड बाय अ बॉडी एट टेम्परेचर टी. अभी अपने को ये पता चला कि किस रेट से हीट इमिट करता है. अब हम ये पता करेंगे कितने रेट से एब्जॉर्ब करता है, फिर नेट हीट के बारे में बात करेंगे, फिर कूलिंग और वार्मिंग के बारे में बात कर सकते हैं. कॉपी कर सकते हैं उसको प्रॉपरली. और ये जो लास्ट फॉर्मूला है ये आपको फाइनली याद रखना है इमिशन के लिए. अगर आपसे कॉपी हो गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर कोई कंसर्न आ रहा हो तो आपको पूछना होगा. कॉपी हो गया होगा अब तक. सो रेडिएशन की वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है या रेडिएशन के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो अभी तक क्या सेटलमेंट हुआ बताते हैं. अगर ये आपके पास एक बॉडी है किसी सराउंडिंग में रखा हो, जनरली हम लोग बॉडी को सराउंडिंग से देखते हैं. सो प्रैक्टिकल लाइफ में ये बॉडी का टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है. इट्स गोइंग टू इमिटिंग दिस हीट, लेट्स से U1 है, रेट ऑफ हीट इमिशन. इसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया, इसकी वैल्यू आई है ई सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4. सो दिस वी हैव सेटल डाउन. नाउ वी नीड टू सेटल डाउन कि ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का रेट कितना होगा U2. एज पर प्रिवोस थ्योरी इसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी होता है और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग होता है. सो U2 विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड, दैट इज ऑफ सराउंडिंग. तो उसके लिए भी हम सिमिलर लॉजिक लगा सकते हैं, स्टीफेंस लॉ को ही एक्सटेंड कर सकते हैं. उससे पहले हम एक छोटा सा पॉइंट है उसके बारे में बता देते हैं, दैट्स कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन में एक किरचॉफ्स लॉ है. और ये कहते हैं कि बेसिकली इनका कहना ये होता है कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है और जो इमिसिविटी है किसी भी बॉडी के लिए वो बराबर रहती है. सो अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, कंक्लूसिव पॉइंट, इमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिव पावर of a body are equal. So they are equal for any body. अगर आप किसी body को consider करते हो तो उसकी E की value और उसकी A की value आपस में बराबर रहते हो. सो इस पॉइंट को, छोटा सा पॉइंट है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं. इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? इसके कंसिक्वेंसेस कुछ इस तरह से रहेंगे कि जिसके लिए
ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसके लिए ए ज्यादा होगा, और जिसके लिए ई की वैल्यू कम होगी ए की वैल्यू भी कम होगी. ई वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, ए वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, दोनों का मीनिंग एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. ई की वैल्यू इमिट इंडिकेट ये करती है कि अगर ई वैल्यू ज्यादा है तो वो रेडिएशन का इमिशन ज्यादा करेगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए ई का वन होता है तो ब्लैक बॉडी ज्यादा इमिट करती है, सबसे ज्यादा इमिट करती है. सो ई मोर दैट मीन्स, मैं लिख सकता हूँ, अगर ई की वैल्यू ज्यादा है दैट इम्प्लाइज U1 is more. In case A की वैल्यू हायर है that means U2 will be A क्या करता है absorption की बात करता है, तो कितना ये absorb कर रहा है उस पर depend करता है, तो U2 की वैल्यू ज्यादा होगी. So इसका meaning ये जा रहा है कि in case एक body ज्यादा emit करती है तो ज्यादा absorb भी करती है, और अगर ज्यादा absorb करती है तो ज्यादा emit भी करती है. सो किर्चॉफ्स लॉ बेसिकली इस तरह के एक्सप्लेनेशंस देता है कि जो गुड इमिटर्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर्स भी होते हैं. तो अगर एक बॉडी ज्यादा इमिट कर सकती है तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है. व्हाई? बिकॉज की दोनों की इमिसिविटी और इमिसिव पावर सेम रहते हैं. सो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, हाउ यू कैन से दैट? तो बोलोगे एज पर द किर्चॉफ्स लॉ वी नो दीज नंबर्स आर इक्वल, अकॉर्डिंग टू देम वी कैन से ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा इमिट करेगा, तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा. सो गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स. और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि समर्स डेज में आप ब्लैक क्लॉथ नहीं पहनते हैं और कम प्रेफर करते हैं. जब समर्स होते हैं सन रेज ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो उसमें ब्लैक क्लोथ पहनने से ज्यादा हीटिंग फील होते हैं, इसलिए क्योंकि जब आपने ब्लैक अगर कपड़े पहन रखे हैं तो जो सन रेज आएंगे वो ब्लैक ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा. अगर वो ब्लैक ज्यादा एब्जॉर्ब करता है सो अगर उसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया तो वो ज्यादा हीट अप हो जाएगा, आपकी बॉडी इनसाइड है तो फिर वो ज्यादा इमिट भी करेगा. सो अगर उसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया है तो ज्यादा इमिट करेगा, तो आपकी बॉडी को ज्यादा हीट में मिलेगा, इसलिए आपको और ज्यादा गर्म महसूस करेगा. सो जनरली हम लोग समर डेज में ब्लैक क्लोथ्स को अवॉइड करते हैं, व्हाइट क्लोथ्स को पहनने की कोशिश करते हैं, कि व्हाइट में रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है. व्हाइट में अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कम होता है, एब्जॉर्प्शन कम होता है तो उसका इमिशन भी कम होता है. तो ये सारा एब्जॉर्प्शन और इमिशन आपस में लिंक्ड होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, इसी को हम लोग किर्चॉफ्स लॉ कहते हैं, या किर्चॉफ्स लॉ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस का हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. एनीवे इस पॉइंट को यूज करके हम लोग इसके बारे में बात कर पाएंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे चल रहा होगा. सो अगर अपने पास एक ब्लैक बॉडी रहा होता है तो ब्लैक बॉडी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी के लिए होता तो कुछ इस तरह से लिख पाते हैं, एब्जॉर्प्शन बाय अ ब्लैक बॉडी सो उसके लिए अगर हम डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं तो ये भी जस्ट लाइक स्टीफन्स लॉ, ये भी टेम्परेचर पे की पावर फोर पे डिपेंड करेगा, लेकिन कौन से टेम्परेचर, सराउंडिंग के टेम्परेचर, एरिया पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा और इस वैल्यू से दिया जा सकता है. तो उसी को एनालॉगस मान लेते हैं और एब्जॉर्प्शन के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंस्टेड ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये ब्लैक बॉडी के लिए. और अगर हम किसी नॉर्मल बॉडी के लिए बात करें, फॉर एनी जनरल बॉडी, सो उस केस में आप पाओगे कि ए फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये बनेगा सिमिलर फैशन में डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए सिग्मा ए टी रेस्ट पावर फोर, टी नॉट रेस्ट पावर फोर आधा, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन का फैक्टर है सो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंस आप जानते हो कि ए और ई आपस में बराबर होते हैं एज पर द किर्चॉफ्स लॉ, सो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी नॉट रेस्ट पावर फोर.
इसका जो एक्सप्रेशन आता है एग्जैक्टली सिमिलर आता है. द ओनली डिफरेंस इज कि जो टेम्परेचर हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो सराउंडिंग का यूज कर रहे होते हैं. तो एब्जॉर्प्शन जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है एज पर द प्रिवोस्ट यू कैन सी ओवर हियर. और इमिशन जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इटसेल्फ. अब अपने को यूट्यूब पता चल गया, दैट मीन्स जिस रेट से वो इमिट करने वाला है. सो यहाँ पर यू वन जो था वो भी आपको नोन हो गया था, यू टू भी नोन हो गया. तो यू टू की वैल्यू को क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी ई सिग्मा ए टी नॉट रेज टू पावर 4. इसको कॉपी कर लीजिए, फिर दोनों को हम लोग कंसोलिडेट कर लेते हैं और फाइनल रिजल्ट बना देते हैं. कई बार इंडिविजुअल इन छोटे छोटे रिजल्ट्स पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एब्जॉर्प्शन का रेट बताइए, इमिशन का रेट बताइए, नेट इमिशन का रेट बताइए. तो जब नेट वर्ड यूज करेगा तो अपने को टोटल बताना है, दैट मींस इंक्लूडिंग गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउटसाइड. और इंडिविजुअल पूछेगा तो फिर इंडिविजुअल भी बता सकते हैं. और ये इंडिविजुअल किस बात पर डिपेंड करता है, थ्योरेटिकल इक्वेशन जनरली पूछता रहता है. सो वो थ्योरेटिकल इक्वेशन के भी हम लोग आंसर दे देंगे कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया, इन सब बातों पर डिपेंड करता है. तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग. रेट ऑफ कूलिंग जिस तरह से हम लोग रेट ऑफ कूलिंग की बात करेंगे उसी तरह से रेट ऑफ वार्मिंग हीटिंग भी हो सकता है ऑफ अ बॉडी. तो किसी भी बॉडी को अगर आप एटमॉस्फेयर पर रख देते हो ओवर द टाइम वो कूल हो जाता है. और किसी अगर वार्म बॉडी को रख देते हो, वार्म बॉडी को अगर एटमॉस्फेयर पर रखोगे और छोड़ देते हो तो आप कुछ समय बाद पाओगे कि उसका टेम्परेचर वही होगा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है. फॉर इंस्टेंस आप एक रॉड लो या फिर आयरन का ब्लॉक लो और उसको फर्नेस से निकाल करके एटमॉस्फेयर पर रख दो, छोड़ दो, और कुछ समय बाद आप वापस आओगे तो दैट विल बी हैविंग द सेम टेम्परेचर एज द एनवायरमेंट. सो उसका जो हीट लॉस हो रहा होता है वो कई मोड से हो रहा होता है. अगर कनेक्टेड है किसी बॉडी से तो कंडक्शन हो सकता है, एयर सर्कुलेशन चल रहा है तो कन्वेक्शन हो सकता है, कुछ भी नहीं है तो रेडिएशन हो सकता है, और अगर कुछ है भी तब भी रेडिएशन है. दैट मीन्स रेडिएशन इज ऑलवेज देयर. सो अगर वैक्यूम में भी रख दोगे आप तो आप पाओगे कि वो फिर भी कूल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि रेडिएशन वहां पे चल रहा होगा. सो रेडिएशन इज ऑलवेज देयर. यू वॉन्ट अ लास्ट स्लाइड? अच्छा भी आपने पूछा, हियर इज द लास्ट स्लाइड, अब देख लो, इसके बाद हम उस पर आते हैं. सो रेडिएशन से कूलिंग कैसे चल रहा है उस कूलिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. लास्ट स्लाइड में हमने एक ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन बताया, फिर जनरल बॉडी के लिए बताया. और जनरल बॉडी के लिए अपने को याद रखना होता है, अगर ब्लैक बॉडी बोलेगा तो ई की वैल्यू 1 रख देंगे तो इससे बराबर हो जाएगा. और ऐसी बॉडी होगी जिसके लिए एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्टिव पावर ए जीरो होगा या एमिसिविटी ई जीरो होगा तो उसके लिए पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा. इसका मतलब वो बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं करता है, 100% रिफ्लेक्ट करता है. लेट्स कम बैक टू दिस. ये अपने पास बॉडी है और ये बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है. कूल होना इसका मतलब बॉडी हमारी वार्म रही होगी. सो टी इज ग्रेटर देन टी नॉट. जब बॉडी वार्म होगी तभी वो कूल करेगी. सो सेटल डाउन ये हुआ है कि इसका इमिशन रेट ई सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4 है, इसका एब्जॉर्प्शन रेट ई सिग्मा ए टी नॉट रेस्ट पावर 4. सो ये स्टोरीज अपने पास है, यहाँ तक अभी हम लोगों ने सेटल किया है बहुत सारे पॉइंट्स को समझते हुए, किर्चॉफ्स लॉ को समझते हुए, प्रिवोस थ्योरी को समझते हुए, स्टीफन्स लॉ को समझते हुए. अब अपने को सिंस हम जानते हैं कि टी ज्यादा है तो यू वन ज्यादा रहा होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि टी ज्यादा है तो यू वन ज्यादा रहेगा. सो नेट रेट ऑफ हीट लॉस ऐसा लिख सकते हैं, नेट रेट ऑफ हीट लॉस. और ये जो हम लोग लॉस की बात कर रहे हैं वो केवल रेडिएशन की वजह से बात कर रहे हैं, बाकी कन्वेक्शन चल रहा होगा उसका भी अपना एक रोल प्ले होगा. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये dQ/dt है, नेट लॉस,
इसकी जो वैल्यू आएगी we can write it as u1 minus u2. कि u1 लॉस कर रहा है, u2 गेन कर रहा है, तो u1 minus u2 नेट लॉस के बराबर हो जाएगा. अच्छा, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो u1 की वैल्यू लिख सकते हैं e sigma a t raised to power 4. इसको लिखेंगे e sigma a t not raised to power 4. काफी कुछ कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं. t raised to power 4 minus t net raised to power 4. This is dq by dt. ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है. ये क्या है, नेट रेट ऑफ हीट लॉस. हीट लॉस का जो रेट है उस फॉर्म में दिया जाता है, उसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर का डिफरेंस होता है. सो ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि टेम्परेचर को आपको केल्विन में रखना है, जिसके लिए 273 को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसकी पावर 4 करना पड़ेगा, दूसरा भी करना पड़ेगा, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. इट विल टेक लॉट ऑफ कैलकुलेशंस. सो जनरली वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने जैसा कुछ बना देता है. अच्छा, ये अपने को पता चल गया कि एक इस रेट से हीट लॉस हो रहा है. एज्यूम करते हैं एक मिनट के लिए कि ये इसका लॉस केवल रेडिएशन से है, कन्वेक्शन से नहीं है, और इसकी बॉडी के टच में कोई और बॉडी नहीं है. कोई और बॉडी नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंडक्शन के लिए बॉडी का कनेक्टेड होना जरूरी. सो कन्वेक्शन हो सकता है, तो कन्वेक्शन को अगर आप इग्नोर करते हो तो फिर ये टोटल लॉस ऑफ हीट आ जाएगा, टोटल लॉस ऑफ हीट बन जाएगा. सो अगर ये लॉस ऑफ हीट है तो इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा. सो यहाँ पे मैं उसको आगे बढ़ाता स्लोली स्लोली. इफ हीट लॉस इज ड्यू टू रेडिएशन अलोन, then अपने कुछ पूछा है, मैं इसका आंसर कर देता हूँ. How did Stephen found that it depends on the temperature's fourth power? There's a story you can read on Google or somewhere. ये दो साइंटिस्ट हैं, एक स्टीफन है, एक बोल्ट्जमैन है. इनमें से एक साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली ड्राइव किया था. That means उन्होंने बहुत सारी बॉडीज के टेम्परेचर्स, बॉडी के टेम्परेचर्स को बदल बदल करके हीट को मेजर किया, कितना लॉस हो रहा है, फिर उसको प्लॉट किया. प्लॉट करने के बाद एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले में देखा कि जो वैल्यूज आ रही है वो पावर फोर पर डिपेंड कर रही है. सो एक एक्सपेरिमेंटल की तरह से आया है, और दूसरा साइंटिस्ट ने इसको थ्योरेटिकली प्रूव किया है. सो इसीलिए इसको बोल्ट्जमैन स्टीफन्स लॉ बोलते हैं. दैट मीन्स स्टीफन और बोल्ट्जमैन दोनों का कंट्रीब्यूशन है. One has done it experimentally, another has done it this theoretically. So, वो दोनों तरह से प्रूफ हुआ है, और इसीलिए इसको एक्सेप्टेबिलिटी अच्छे से मिल गया. अब पढ़ेंगे इसकी एक स्टोरी है, गूगल में टाइप कर लीजिए स्टीफन बोल्ट्जमैन के लॉ के बारे में. सो वहाँ से आपको अगर साइड वाइज नॉलेज लेना है तो ले सकते हो, बाकी फॉर्मूला अपने पास ही है. आगे बढ़ते हैं. हीट लॉस के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो अपने को पता चला कि ये dq by dt है, और हम लोग जानते हैं कि अगर मास दिया गया है, m स्पेसिफिक हीट s दिया गया, तो dq की वैल्यू ms डेल्टा d होती है. अगर टाइम के साथ लिख रहे हैं तो dt by t भी लिखेंगे. सो इस dq by dt को हम ms dt by dt भी लिख सकते हैं. कैसे, dq is equal to ms delta t और dt से डिवाइड कर दिया. अच्छा, सिंस ये लॉस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा, या फिर आप यहाँ पे माइनस लगा लो, बात की है, एक जगह माइनस लगाना पड़ेगा आपको. फिर दोनों को आप इक्वेट करा लीजिए. जैसे आप इक्वेट कराएंगे तो अपने को ऐसा मिलेगा माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट पावर 4. Now, ये m का इंडिकेट कर रहा है मास ऑफ द बॉडी, s का इंडिकेट कर रहा है जो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इन दोनों को यूज करके हम यहाँ से एक नंबर निकाल सकते हैं, एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. व्हाट इज एक्सप्रेशन, डी टी बाई डी टी. अगर हम ये नंबर निकालते हैं तो ये क्या इंडिकेट करने वाला है, क्या ये इंडिकेट करने वाला है कि द रेट एट विच टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो किस रेट से टेम्परेचर टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, वो ये एक्सप्रेशन अपने को देने वाला है.
और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब बॉडी कूल हो रही है. सो ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज गोइंग टू गिव अस द रेट ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी. जो डेफिनेशन हम लोगों ने जो अपने हेडिंग लिखा है उसी के बराबर हो जाएगा. सो रेट ऑफ कूलिंग इज बेसिकली ई सिग्मा ए डिवाइडेड बाई मास स्पेसिफिक हीट, इतना सारा कॉन्स्टेंट, एंड देन टी रेस टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू पावर 4. So rate of cooling of a body due to radiation is given by this expression. Write it properly and keep remembering. इसको याद रखिए कि कौन कौन से terms कहाँ कहाँ पर involved है. E immiscibility है, sigma constant है, A surface area है, M mass of the body है, S specific heat of the body है. ये सारे terms आपस में मिल करके इसको complete करते हैं. और temperatures के बारे में हम लोग already बात कर चुके हैं. So this expression gives us rate of cooling of a body. अगर rate of heating की बात करनी होगी तो फिर आप इसमें T naught और T को interchange कर लीजिए, इसको plus लगा लीजिए तो rate of heating आ जाएगी. Generally हम लोग cooling के बारे में बात करते हैं. इसी को मैं next slide में लिखता हूँ. Final example जो अपना result आया है, इसी result को थोड़ा सा और elaborate करके समझते हैं. फिर न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा. जैसा मैंने बोला कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन पर रहता है, इसके बाद उसकी पावर 4 करना है, तो एग्जाम में उस पीरियड पे आप इतना कैलकुलेशन करेंगे तो टफ जाएगा. इसके लिए सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो वो सिंप्लीफाइड वर्जन को हम लोग लर्न कर लेंगे. जनरली क्वेश्चन जो भी आता है हम उस सिंप्लीफाइड वर्जन से ही रेट ऑफ कूलिंग बताते हैं. इस एक्सप्रेशन से आपसे क्या पूछ सकता है, इस एक्सप्रेशन से आपसे पूछ सकता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ सकता है या फिर पार्शियल कैलकुलेशन टाइप की पूछ सकता है. तो मैं आपको इक्वेशन भी देता हूं और वो आपको बताना. सो फाइनली वी गॉट दिस रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी एज पर स्टीफन्स लॉ is minus dT by dT is equal to, there was E, there was sigma, there was A, there was M, there was a specific heat capacity, and there was T raised to power 4 minus T naught raised to power 4. Cross check कर सकते हैं, कोई छूटा तो नहीं, proper है. So ये होता है. Sir, in case of heating, फिर से बोलने आवाज कट गया. सर कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड. प्रीवियस स्लाइड, ओके, या हियर इट इज. So in case of heating, we will not write that negative sign, means that will become dT by dT, no? Yeah, that will become dT by dT, and this T naught will be higher as compared to T, so usko bhi exchange karna hoga. Heating tabhi hoga jab surrounding it will be at more temperature, body will be at less temperature. Copy kar liya hoga. Is par main aapko equation deta hu, aur ab carefully iska answer dijiye. अब दे पाएंगे. थ्योरेटिकल ये रहेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा नहीं होगी. सपोज कर लिया आपसे ऐसा कहते हैं कि अपने पास दो बॉडीज है, बेसिकली दो स्फीयर्स है, स्फेरिकल बॉडीज है. ये बॉडी वन है, ये बॉडी टू है. इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस टू आर है. और थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ. टू स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल आर प्लेस्ड इन सेम एनवायरनमेंट
एंड हैव सेम टेम्परेचर. ये अपने को पता है कि उनके टेम्परेचर बराबर है, सेम सराउंडिंग पे रखे हुए हैं, उनके रेडियस के बारे में आपको बता रखा है. अपने को बताना है कि व्हाट इज रेट ऑफ कूलिंग. फाइंड रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग समबडीज माइक इज ओपन प्लीज यू कैन म्यूट इट. फाइंड रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग of two bodies, that means body one ka upar rakhna hai, body two ka niche rakhna hai, wo ratio of rate of cooling apne ko batana hai. solve kijiye, expression aapke samne likha hai to aapko zyada load nahi hoga, but usi ko use karke dekhna hai. aapko 1 minute ka time milta hai, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा. सर मास का क्या? यू वांट मास 2:1 एक आया, 2 बोला जा रहा है. ओके, मास के बारे में कुछ नहीं बोल रहा. So with this given information, you need to answer. 2:1, 2:1. Okay. चलेगा. So मैं solve करता हूँ. अब तक आपने try कर लिया होगा. So let's say ये rate of cooling है, इसको हम R1 बोल देते हैं. ये R है rate of cooling, छोटा वाला R. So यहाँ पे लिख देता हूँ. Let's say R की जो value है minus dT by dT होता है. इसकी वैल्यू आपको पता है, ई पर डिपेंड करता है. ई कौन सा, ई क्या होता है? दिस इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. तो दोनों के लिए ई सेम हो जाएगा. सिग्मा दैट इज अ कांस्टेंट, वो दोनों के लिए सेम हो जाएगा. एरिया, एरिया को आप लिख सकते हो, सरफेस एरिया होता है तो 4πr² लिख सकते हो, रेडियस का स्क्वायर आएगा. अभी हम ए लिखते हैं. डिवाइड बाई मास, मास तो अपने को पता नहीं है, तो हम चाहे तो मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी मटेरियल पर डिपेंड करता है. टी रेस्ट पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट पावर 4. अब तक ये समझ में आ गया होगा, जो ब्रैकेट वाला स्टेप है वो दोनों के लिए सेम रहने वाला है. क्यों सेम रहने वाला है? क्योंकि टेम्परेचर सेम है, सराउंडिंग सेम है, तो ये नंबर सेम हो जाएगा. सो अपने को आर वन अपॉन आर टू चाहिए. इन केस वी आर इंटरेस्टेड इन आर वन अपॉन आर टू, सो कौन कौन से नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे? टेम्परेचर्स चले जाएंगे, सिग्मा चला, ये सिग्मा और ई चला जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चला जाएगा क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सेम मटेरियल का है. डेंसिटी चला जाएगा क्योंकि वो भी सेम मटेरियल का है. सो उसके लिए अपने पास जो बचने वाला है, कुछ ऐसा बचने वाला है, एरिया और वॉल्यूम, राइट? ए वन अपॉन वी वन, वी फॉर वॉल्यूम, देन वी टू डिवाइड बाई ए टू. Then इसके बाद बहुत सिंपल हो जाएगा, इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं. एरिया के लिए आप बोलोगे कि ये आर का स्क्वायर आएगा, तो ये 2r का क्यूब आएगा, या फिर वैसे भी सेटल कर सकते हैं. वॉल्यूम और एरिया में क्या बचेगा? ये 1 अपॉन r बचेगा, तो कुछ ऐसा आएगा कि r2 अपॉन r1 आ जाएगा, सिंपलीफाई होकर के. सेकेंड का रेडियस डिवाइड बाई फर्स्ट का रेडियस. सेकेंड का रेडियस कितना दिया गया? ट्वाइस. फर्स्ट का रेडियस कितना है? आर. तो आंसर कितना हो जाएगा? 2. सो आंसर विल बी 2:1. या सिंपली वी कैन आंसर इट. सो अगर अपने को एक्सप्रेशन पता है, तो इस एक्सप्रेशन में हमको ये पता होना चाहिए कौन कौन से पैरामीटर्स या क्वांटिटीज क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कौन मटेरियल पर डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, और कौन सा आपको गिवेन है क्वेश्चन में सेम करने के लिए. इसके बाद हम रेशियो बता सकते हैं. तो इस तरह से क्वालिटेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. 2:1 इज अ करेक्ट आंसर. मास नहीं दिया था, तो मास को हम लोगों ने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया. सेम मटेरियल का है, तो डेंसिटी सेम रहा होगा, और वॉल्यूम को हम लोग उसके साइज से मैच करा सकते हैं. अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. इस पर क्वेश्चंस जनरली ना देकर के एक क्वेश्चन जो देता है, तो इस पर अगर हम सॉल्व करेंगे, सपोज के लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको देते हैं कि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, आउटसाइड का 10 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए कितना टाइम में कितना कूलिंग होगा.
कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, उसके लिए सब नंबर बताने पड़ेंगे और फिर उनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इसी को सिंप्लीफाई करते हैं न्यूटन, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. सो एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सो अभी जो हमने पढ़ा लॉ ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ कूलिंग था, दैट वाज स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ कूलिंग. और अब आप पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. व्हाट न्यूटन डिड, न्यूटन मेड द लाइफ इजियर. उन्होंने स्टीफेंस के फॉर्मूले को पिक किया और उसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई किया और एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर लिया जिसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन डे टू डे लाइफ में उसको हम यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट आप पूरी स्टोरी देखोगे फिजिक्स में तो न्यूटन का जो रोल है लाइफ को, डे टू डे लाइफ को इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है. इवन वो आइंस्टाइन से भी ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ही मेड लाइफ इजियर फॉर डे टू डे लाइफ. सो एनी वे लेट्स कम टू द मेन कोर पॉइंट. कोर पॉइंट ये है कि अभी अपने को बोल्ट्जमैन के हिसाब से पता चला है कि dT/dt की वैल्यू रेट ऑफ कूलिंग इज ई सिग्मा ए डिवाइड बाय एम एस टी रेस टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू पावर 4. ये अपने को पता है और ये स्टीफेंस के अकॉर्डिंग है. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जनरली हम लोग लाइफ में देखते हैं ना तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जितनी भी गर्म बॉडीज हम लोग देखते हैं नॉर्मली, उनमें टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा नहीं होता है. टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल. और जब कभी टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होता है तो हम इस टी रेस पावर 4 और टी नॉट रेस पावर 4 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि यही ज्यादा ऑब्स्टिकल है कैलकुलेशन करने में. सो हाउ वी कैन सिंप्लीफाई, तो पहले मैं उनका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एक कंडीशन लिख देता हूँ. तो कंडीशन ये रहती है, इफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन the body and surrounding is not large, if ऐसा बोल सकते is small, then Stephen's law of cooling can be simplified, then Stephen's law of cooling can be simplified as follows. तो simplify भी यहाँ पे कर लेते हैं. So idea ये कि t minus t naught ये small है, हालांकि t अपने आप में एक बड़ा नंबर होता है, t नॉट भी एक बड़ा नंबर होता है. जब दोनों को डिफरेंस करते हैं तो स्मॉल नंबर आता है, 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस रहता है. सो अगर ये स्मॉल होगा तो फिर हम लोग इस नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. किस नंबर को, t रेस्ट पावर 4 माइनस t नॉट रेस्ट पावर 4. आप चाहो तो यहाँ से t नॉट रेस्ट पावर 4 को आउटसाइड ले सकते हो, या फिर हम लोग ऐसा करें कि अगर अपने को ये सिंप्लीफाई करना है तो स्मॉल को एक नाम दे देते हैं, ये इस तरह से बोलेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको समझने में भी आसानी होगी. इसको हम लोग डेल्टा टी नाम दे देते हैं और ये बोलेंगे ये डेल्टा टी स्मॉल नंबर है, ठीक है. तो यहाँ से हम टी के बारे में बात कर सकते हैं, जो टी आएगा उसको लिख सकते हैं टी नॉट प्लस डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज टी माइनस टी नॉट, दैट्स ऑल, ऐसा लिख सकते हैं. अब यहाँ पे t की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो ये t की वैल्यू आएगी t नॉट प्लस डेल्टा t की पावर 4 माइनस t नॉट रेस्ट पावर 4, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है. इसके बाद आप चाहो तो इससे t नॉट आउटसाइड निकाल लो, तो t नॉट की पावर 4 को हम लोग आउटसाइड निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस डेल्टा t डिवाइड बाई t नॉट रेस्ट पावर 4 माइनस 1. यहाँ से भी t नॉट रेस्ट पावर 4 बाहर निकाल लिया. So, अगली लाइन में हम ये मैथमेटिकली इजिली लिख सकते हैं.
अच्छा जब ये डेल्टा टी स्मॉल है, इसका मतलब डेल्टा टी स्मॉल होने का मीनिंग क्या होता है? जब कभी स्मॉल और लार्ज वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, उसका सिंपल मीनिंग होता है कि ये रिलेटिव है, जिसके साथ ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके कंपैरिजन में ये नंबर कैसे हैं। अगर उनके कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं तो उनको स्मॉल बोलते हैं, बहुत बड़े हैं तो लार्ज बोलते हैं। एब्सोल्यूट नंबर पे कोई लार्ज और स्मॉल नहीं होता है। तो इसका मतलब है, दैट मीन्स द मीनिंग इज समथिंग लाइक दिस, कि डेल्टा टी इज मच 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 लार्जर एज कम्पेयर टू द टी और टी नॉट इटसेल्फ। सो टी नॉट के कंपैरिजन में डेल्टा टी बहुत छोटा है, दैट्स द पॉइंट। अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या हम यहाँ से ये भी बात कह सकते हैं कि डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की जो वैल्यू है वो वन से बहुत छोटी होने वाली है? अब इस नंबर को देखो, ये वन प्लस एक्स रेस टू पावर एन लिखा हुआ है, जहां पर ये एक्स की वैल्यू वन से बहुत छोटी है। जब कभी ऐसा कुछ होता है तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, तो इसका अप्रोक्सीमेट वर्जन आ जाएगा कुछ ऐसा, टी नॉट रेस टू पावर फोर वन प्लस, जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, वन प्लस एन एक्स। ऐसा अपने समझा है, मैंने बताया भी कई बार। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। तो अब जो पावर था वो चला गया माइनस वन, फर्दर आप देखोगे वन और माइनस वन आपस में सेटल डाउन हो जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू आ जा रही है कुछ ऐसा जा रही है, फोर टाइम्स एक टी नॉट भी कैंसिल हो गया, टी नॉट की पावर थ्री डेल्टा टी। सो दिस कैन बी कन्वर्टेड एज दिस बाई यूजिंग दिस सिंप्लीफिकेशन। इससे फायदा क्या है, अभी आप उसको रियलाइज करोगे और अप्रिशिएट भी कर पाओगे। तो ये बना 4t नॉट क्यूब इन ब्रैकेट t माइनस t नॉट। अब देखोगे ये 4t नॉट क्यूब है ना, ये भी कांस्टेंट ही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जनरली कांस्टेंट रहता है, सो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करता, सो दैट्स अ कांस्टेंट, और 4 कांस्टेंट है। अब अपने को t माइनस t नॉट चाहिए, जबकि पहले अपने को t रेस्ट पावर 4 माइनस t नॉट रेस्ट पावर 4 चाहिए था। सो दिस मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन हेल्प्स अस इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और ये न्यूटन ने किया। आप क्या कर सकते हैं, अब इसी को पिक करके स्टीफंस वाले फॉर्मूले में रख सकते हैं और इसे dt/dt के बारे में बात कर सकते हैं और रेट ऑफ कूलिंग निकाला जाएगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और कोई स्टेप अगर एक्सप्लेन करना हो तो बोलिए, अदरवाइज हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बनाते हैं, एक दो क्वेश्चन भी करेंगे और इस पर जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता है, काफी पॉपुलर है। सर पर t माइनस t नॉट हर बार तो स्मॉल नहीं होगा ना, कभी तो t, हां तो ये तभी एप्लीकेबल होगा, इसकी कंडीशन है, इसकी एप्लीकेबिलिटी की कंडीशन है ये, दैट विल गिव यू करेक्ट आंसर, बेटर आंसर, मोस्ट प्रिसाइज आंसर जब इनका टेंपरेचर डिफरेंस कम होगा। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो फिर इसकी वैलिडिटी कमजोर पड़ जाएगी, दैट विल नॉट बी सो सुटेबल एंड दिस विल बी सुटेबल फॉर ऑल कंडीशंस। सर कम होगा यानी कितना कम होना चाहिए? अब नंबर्स को देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाए, तो कम ज्यादा में कोई ऐसा एक लिमिट नहीं होता है, ये कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको अप्रिशिएबली कम लग रहा है तो आप इसको अप्लाई करेंगे, टू बी प्रैक्टिकल जब कभी क्वेश्चन आएगा आप इसी को अप्लाई करेंगे, अनटिल एंड अनलेस ऐसा बोलता है कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, अगले स्लाइड पे समझाता हूँ, पहले आप इसको कॉपी कर लो, थोड़ा डिटेल में समझा पाऊंगा, वहां पे स्पेस ज्यादा होगा। सर यस, सो वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला इफ द क्वेश्चन आस्क्स अस टू फाइंड द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ होम hot iron ball around 1000 degree celsius, right? We will discuss in next slide ki kab use kar sakte hain kab nahi, usko thoda sa aur elaborate karte hain. Condition kya hai ki temperature difference small hona chahiye, is baat ko main aur elaborate karke explain kar deta hu iska kya meaning hai. Ek bar aap iska meaning samajh gaye to fir wo 1000 ho 10000 ho 1000 ho se koi khas farak nahi padta aur uske according apna decision bana lenge. होपफुली कि ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गई, विच इज़ नॉट सो टफ। तो अपने को क्या पता चला कि रेट ऑफ कूलिंग कुछ ऐसा है, पहले मैं फॉर्मूला फाइनल कर देता हूँ। रेट ऑफ कूलिंग एज पर न्यूटन ये बना माइनस dt/dt इज इक्वल टू ई सिग्मा ए डिवाइड बाई एम एस
और ये जो नंबर था उसको हमने सिंपलीफाई करके बनाया 4t³ t - t₀। आपकी कॉपी में लिखा होगा, चेक कर सकते हो। सो द रेट ऑफ कूलिंग केम आउट टू बी दिस, इट मींस 4 टाइम्स ई सिग्मा ए टी नॉट रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाय ms। नाउ ऑल दिस बिकम अ बिकेम अ कांस्टेंट t - t₀। नाउ इसको हम नाम k दे सकते हैं, k फॉर अ कांस्टेंट। सो dt अपॉन dt इज इक्वल टू k टाइम्स t - t₀। ये जो फॉर्मूला है इसी को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं, और ये काफी इजी देखने में लग रहा है और सिंपलीफाइड भी है। इसमें k क्या है वो आप दिमाग में रख सकते हो, k इतना बड़ा नंबर है जो कि सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, बॉडी पे डिपेंड करता है, बॉडी के एरिया पे भी, साइज पे भी डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। जनरली ऐसा बोलेगा सेम बॉडी सेम टेम्परेचर, सेम बॉडी सेम एनवायरमेंट पर है और उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या क्या चल रहा है, तो फिर k की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के बारे में बात करेगा तो फिर k बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। सर पर ये डिनोट नहीं करता ना कि वो डेल्टा t से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। हाँ ये वही इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। तो कई बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम ऐसा बोल देते हैं, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस। कई बुक्स में ऐसी डेफिनेशन लिखता है, यहाँ पे वही प्रूफ कर दिया गया, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर डिफरेंस फॉर अ बॉडी एट एन एनवायरनमेंट इन एन एनवायरनमेंट। सर यस सर, वो टी नॉट क्यूब का टी नॉट रेज टू 4 कैसे हुआ मतलब? ओके, वो गलती से हुआ है, वो पावर 4 चल रहा है इस वजह से लिख दिया होगा, और करेक्ट कर लीजिए, टी नॉट क्यूब रहेगा। सो ये टी नॉट क्यू कॉन्स्टेंट था तो ये टी नॉट क्यू ही रहेगा, और अपना इंटरेस्ट ये टेम्परेचर डिफरेंस पे चल रहा था, तो ये नंबर भी अपने को याद रखना, टी नॉट रेस्ट टू पावर 3 एज अ कॉन्स्टेंट के साथ आता है। मैं 2-3 पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर देता हूँ। पहला तो ये एलेबरेट कर देता हूँ कि टेम्परेचर डिफरेंस का कम होने का मीनिंग क्या है। दूसरा ये बता देता हूँ कि अगर रेडिएशन के साथ साथ कन्वेक्शन हुआ तो क्या होगा, क्योंकि कूलिंग तो इस बात पे डिपेंड करेगा कितना हीट लॉस हो रहा है, वो इस बात पे थोड़े ना डिपेंड करेगा कि रेडिएशन से कितना जा रहा है और कन्वेक्शन से जा रहा है या दोनों से जा रहा है। अपने को तो टोटल पता करना होगा, रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन प्लस कंडक्शन प्लस एवरीथिंग, राइट। अभी जो हम लोगों ने निकाला है कूलिंग का रेट, वो ये एज्यूम करके निकाला है कि ओनली रेडिएशन इज वर्किंग, जबकि हम लोग ये भी जानते हैं कि एटमोसफियर पर कन्वेक्शन तो हमेशा चलता है। सो आप पाओगे न्यूटन्स लॉ कन्वेक्शन को भी काउंट कर लेता है, ये उसका एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। एनीवे पहले स्मॉल के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए अपने पास एक बॉडी है, नंबर्स देंगे तो शायद आपको विजुलाइज होने में आसानी होगी। ये बॉडी लेट्स से टेम्परेचर है इस बॉडी का 60°C, और कोई और नंबर भी ले सकते हैं, और ये बॉडी आउटसाइड का टेम्परेचर 27°C या कोई और नंबर भी ले सकते हैं। सो इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है और क्या वो कम है क्या वो ज्यादा है? सो अपने को मतलब क्या है, अपने को डेल्टा टी देखना है और टी नॉट या टी देखना है, इनमें दोनों में कंपैरिजन करना है। हम लोग जानते हैं डेल्टा टी को आप डिग्री सेल्सियस पे लिखो या केल्विन पे लिखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सो इसका जो डिफरेंस आएगा, अगर आप डिफरेंस करोगे तो 33°C आ जाएगा, 33 आ जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू, केल्विन में 33 केल्विन हो जाएगा, इजंट इट 60 - 27। नंबर आप चेक कर सकते हो 33 आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो अपनी एक अलग बात है। एनीवे टी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, टी नॉट की वैल्यू क्या 27°C है? यस, लेकिन हमको केल्विन पे चाहिए, तो क्या इसको 273 से ऐड करोगे? यस, तो क्या इसकी वैल्यू 300 केल्विन हो जाएगी? अब देखो ये रफली 10 times है, 10 times ज़्यादा है, 10 times का मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, मतलब कोई चीज़ डबल होती है ज़्यादा होती है, ट्रिपल होती है और ज़्यादा होती है, ये 10 times तक जा रहा है, तो इसका मतलब हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। सो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा टी इज लेस एज कम्पेयर टू द टी और टी नॉट। सो पाओगे कि जो टी नॉट या टी होगा वो केल्विन पर होगा, तो 273 ऐड होकर के आएगा,
डेल्टा टी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो कम होगा. तो जनरली जो हमारे पास रहेगा ना अरेंजमेंट, उसमें हम न्यूटन्स लॉ को लगा सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं. सो आपको क्या देखना है कि इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उन दोनों में से क्या खास अच्छा खासा फर्क है. आप यहाँ पे देख सकते हो 33 और 300 में डिफरेंस होता है और एक कंसिडरेबल डिफरेंस है, तो हम लार्ज और स्मॉल जैसा टर्म यूज कर सकते हैं. अंडरस्टूड की कब हम लगाना है, तो पॉइंट इस की जब क्वेश्चन आएगा और ऐसे नंबर दियोगे तो आपको आंख बंद करके लगा लेना है. यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट इट. जब कभी वो थ्योरेटिकली पूछेगा तो आपको पता ना होगा कि यस ऐसा होना चाहिए. हाँ, अगर ऐसा बोलता है कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप देखते हो बिल्कुल नहीं आता है या फिर इन दोनों का गैप इतना ज्यादा नहीं होता है तो फिर आप इसको नहीं लगाओगे. लेकिन आप देखोगे कि जब भी कभी होगा तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, राइट. अपने जो प्रैक्टिकल डेली लाइफ की बातें, और भी कंडीशन क्रिएट की जा सकती है जहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर आप स्टीफेंस के थ्रू जाएंगे. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं रेट न्यूटन्स लॉ कैन बी अप्लाइड. अच्छा, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अगर समझने की कोशिश करते हैं तो रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है तो ये फास्टर कूल करता है, टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है तो ये स्लोवर कूल करता है. तो इस तरह से हम इसको कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हैं कि कब फास्टर कूल कर रहा होगा, कब स्लोवर कूल कर रहा होगा. एक दो बार ऐसे क्वेश्चन उसने पूछ लिए, जैसे कि मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ फिर उसको लैंग्वेज वाइज लिख दूंगा, आपको आंसर देना है. सपोज कर लीजिए अपने पास एक बॉडी है और आउटसाइड का टेम्परेचर लेट से 20 डिग्री सेल्सियस है, इन्वायरमेंट पे रखिए, तो ये 20-20 रहेगा, ये नहीं बदलेगा. कितना भी हीट इसको दे दो, कितना भी हीट इससे ले लो, क्योंकि सराउंडिंग इज अ बिग थिंग. मैं आपसे क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, आप उसको आंसर कीजिए और फिर उसका अभी हम लोग क्वालिटेटिव आंसर देंगे, बाद में उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू भी निकाल लेंगे. इफ ऐसा बोले, इफ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट, देन इट विल cool from 60 degree Celsius to 40 degree Celsius in time t. और अपने को ऑप्शन दिया गया है कि t की वैल्यू कितनी होगी. क्या t की वैल्यू 10 मिनट आएगी? बी ऑप्शन है t की वैल्यू 10 मिनट से ज्यादा आएगी. सी ऑप्शन है t की वैल्यू 10 मिनट से कम आएगी. अभी आपको एग्जैक्ट मिनट नहीं निकालना है, बस कंपेयर करके बताना है कि कौन सा है. और चौथा ऑप्शन है एनी, इनमें से कुछ भी हो सकता है. सो पहला 20 डिग्री सेल्सियस का कूलिंग हो रहा है 10 मिनट में. अगला 20 डिग्री सेल्सियस का कूलिंग जो आएगा उसके लिए कितना टाइम लगेगा? क्या वो अभी भी 10 मिनट लेने वाला है या 10 मिनट से ज्यादा लेने वाला है या 10 मिनट से कम लेने वाला है? आपके आंसर्स हैं 10 मिनट से ज्यादा, एंड देन लेस देन 10 मिनट, बी 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 ग्रेटर देन 10 मिनट, बी. तो इसमें आपको न्यूटन्स लॉ को याद करना होगा और न्यूटन्स लॉ को उस अप्लाई करना होगा, न केवल याद करना बल्कि उसको अप्लाई करना है. तो स्टेटमेंट मैं यहीं पे लिख देता हूँ और उसी के साथ आप अप्लाई कर लोगे. Rate of cooling is directly proportional to temperature difference. किसका किसका temperature difference? Of course, body and surrounding का. That means faster rate तब होगा जब temperature difference ज्यादा होगा. तो यहाँ पर जब आप देखोगे आकर के तो आपको पता चलेगा जब ये 80 to 60 चल रहा था तो 20 के साथ उसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा चल रहा था,
सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस, सिंस वो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा जा रहा था, इसका मतलब है इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा थी, दैट मीन्स कम समय में ज्यादा कूल हो रहा था, बाद में टेम्परेचर डिफरेंस इसका और 20 के साथ कम हो गया, इसका मतलब अब स्लो कूलिंग हो रही है, तो अब उसी टेम्परेचर डिफरेंस से कूल होने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस पहले कूल हुआ है, हायर टेम्परेचर में कूलिंग हुई है, उसके लिए अगर 10 मिनट लगा हुआ है, तो लोअर टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस का गैप क्रिएट करने के लिए उसको ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि लेटर ऑन कूलिंग हैज बिकम स्लोअर, इनिशियली कूलिंग वॉज फास्टर, तो हम ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये तो तब होगा जब रेट ऑफ कूलिंग कॉन्स्टेंट होगा, so this will be answer if rate of cooling is a constant. Here rate of cooling is not a constant, rather it's a dependent on the temperature difference. So इससे ज़्यादा होना चाहिए, that means B option आना चाहिए. C भी नहीं लगाएंगे, C तो तब लगाते हैं जब उसका rate of cooling बढ़ जाता, जबकि यहाँ पे rate of cooling कम हो गया, तो B answer will be the correct. सभी ने, अधिकतर लोगों ने B option दिया, that's a good one, और आपने qualitatively समझ लिया. अब हम एग्जाम में क्या करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है, अब आपसे एग्जैक्टली पूछ लेगा, बताइए टी की वैल्यू कितनी है, सो टी की एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा, तो हम लोग टी को 10 नहीं लगाएंगे, टी से 10 से कम नहीं लगाएंगे, 10 से ज्यादा वाले ऑप्शंस को ही पिक करेंगे, अब ज्यादा में वो सब दे सकता है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को हम लोग फर्दर कैरी करके चलते हैं, ये न्यूटन कूलिंग वाला जो फॉर्मूला है, और देखते हैं कि अगर इसको हमको T1 से T2 कूल करना है तो क्या फॉर्मूला बनता है, फिर इसको और भी सिंपलीफाई कर लेंगे. सो फॉर कूलिंग फ्रॉम T1 to T2, फॉर कूलिंग फ्रॉम T1 to T2, सो इनिशियल टेम्परेचर T1 है बॉडी का, T2 तक ये कूल हो रहा है, उसके लिए कितना टाइम लगने वाला है, सो अपने पास फॉर्मूला है dT/dt इज इक्वल टू k T माइनस T नॉट. इसको अगर आप रीराइट करेंगे तो बनेगा माइनस डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के डी टी. अगला स्टेप क्या होगा वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स लगानी है और वो इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लीजिए, जीरो से टी टाइम ले रहा है और टी वन टेम्परेचर से टी टू टेम्परेचर तक जा रहा है. फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल लीड टू, ये एल एन पे चला जाएगा, आप जानते हो ये एल एन बनता है वन टी माइनस टी नॉट, इसकी वैल्यूज जाएंगी फ्रॉम टी वन से टी टू, और ये के टी बनेगा, दूसरा जीरो होगा तो रखेंगे नहीं, देन आफ्टर अपने को कुछ ऐसा मिलेगा के टी इज इक्वल टू माइनस, इन साइड आपको मिलेगा एल एन टी टू माइनस टी नॉट माइनस एल एन टी वन माइनस टी नॉट, आप जानते हो जो वेरिएबल होता है उसको लिमिट से रिप्लेस कर देते हैं, सो फिर माइनस प्लस का रोल माइनस को भी अब्सॉर्ब करा लो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा एज पर द रूल, सो ये बनेगा एल एन टी वन माइनस टी नॉट डिवाइड बाई टी टू माइनस टी नॉट. सो एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पर जाने में कितना टाइम लगता है वो इस फॉर्मूले से गवर्न किया जा सकता है. सो कभी आपको टेम्परेचर दे दे और आपसे पूछे कि बताइए क्या चल रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो. हालांकि इसके लिए आपको के की जरूरत पड़ेगी, तो अगर दो केसेस दिए गए तो दोनों में आप उसको डिवाइड कर लोगे तो के कैंसिल आउट हो जाएगा. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक टी वन इनिशियल टेम्परेचर 80 दिया गया था और ये 60 दिया गया था, सराउंडिंग 20 था, तो ये इसके इनसाइड वाला आपको पता चल गया और उसका टी भी आपको नोन था. इसके बाद 60 वाला रखना है, 40 वाला रखना है, उसके अकॉर्डिंग भी आंसर निकालेंगे, फिर टी निकल रहा है उसको डिवाइड कर देंगे टी निकल रहा है. इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है, हालांकि यहाँ से आंसर निकाला जा सकता है लेकिन इसमें एल एन आएगा, तो एल एन की कैलकुलेशन एल एन के टर्म में वैल्यूज रखनी होती है, तो कई बार हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एल एन से हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं. तो ये इसको कॉपी कर लीजिए, ये भी फॉर्मूला है, कई बार फॉर्मूला जैसा पूछ सकता है, इसका यूज पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है ये टी कौन सा टाइम है फॉर कूलिंग फ्रॉम टी वन टू टी टू. अगर एक बॉडी किसी सराउंडिंग में टी वन से टी टू टेम्परेचर तक कूल करता है तो उसको लिए कितना टाइम का रिक्वायरमेंट होता है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है. और ऐसा भी बोल सकता है आपको के की वैल्यू डायरेक्टली दे दे, तो अगर डायरेक्टली देगा तो उसको भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये भी याद रखना है के किन बातों पर डिपेंड करता है.
स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर एलन को अवॉइड करने के लिए मोस्टली हम लोग एलन को अवॉइड करते हैं, और जो अब नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ उसको यूज करते हैं। कैसे समझना है कब एलन को यूज करना है कब नहीं करना है, तो वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। अगर वो एलन की वैल्यूज दे देता है तो आपको ये यूज करना चाहिए, बिकॉज दैट्स मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इसको निकाल रहे हैं। अगला वाला कुछ अप्रोक्सीमेशन के साथ जाएंगे, तो उसको हम तभी यूज करेंगे जब एलन की वैल्यूज वगैरह नहीं देगा और अपने को आंसर निकालना होगा। हालांकि दोनों तरीके से निकालने में आंसर ऑलमोस्ट सेम आता है, तो एक्सेप्टेबल रेंज पे रहेगा। अब चलते हो स्लाइड नंबर 10, यानी प्रीवियस स्लाइड, एक मिनट के लिए दिखाता है। ये प्रीवियस स्लाइड है जिसमें क्वेश्चन था, स्लाइड नंबर 10 देख लीजिए। इसके बाद अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग पिक करेंगे, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालेंगे, चेक करेंगे टी की वैल्यू एक्जेक्टली कितनी आती है। हो गया, so we can do it by taking average values of temperature also. Exactly, so that we are going to talk about the same thing. So अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये 10 से कितना ज्यादा है ना, what exactly the number is going to be. Okay, so let's move for the next slide. डन दिखा रहा चलेगा। सो फिर से उसी फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, ये आपको समझ लेना है और इसी को यूज करना है मोस्टली। डीटी बाई डीटी आते हैं इज इक्वल टू के टाइम्स टी माइनस टी नॉट, ये अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। जनरली क्वेश्चन ऐसा देगा कि टी वन से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि टी वन टेम्परेचर से टी टू टेम्परेचर जाता है और उसके लिए कोई टी वन टाइम लेता है या टी टाइम लेता है, फिर बोलेगा कि एक अगला टेम्परेचर है टी थ्री, वहां से टी फोर तक जाता है, इस सिचुएशन में इसको टी डैश टाइम लगता है। जो मोस्टली एग्जाम में जेई मेन में क्वेश्चन आता है वो इसी तरह का आता है कि एक टेम्परेचर से दूसरे पे जाना और उसका टाइम, दूसरे से तीसरे पे जाना उसका टाइम, या तीसरे से चौथे पे जाना उसका टाइम। सो हम इनको यूज करने वाले हैं। नाउ सिंस ये डायरेक्टली लीनियरली इसका जो रेट ऑफ कूलिंग है ना वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसमें हम अप्रोक्सीमेट करने के लिए जो टी है जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है इसको हम एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो टी है, टी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम टी वन प्लस टी टू बाई टू ले सकते हैं। ऐसा लेने से क्या होगा कि ये पूरा का पूरा नंबर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और फिर अपना काम हो जाएगा। सो इससे फिर अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये चेंज इन टेम्परेचर है तो इसको डी को डेल्टा से रिप्लेस कर देंगे, माइनस चेंज इन टेम्परेचर, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस लगाने से इनिशियल माइनस फाइनल होगा, तो फॉर्मूला बनेगा इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना लगा टी इज इक्वल टू के और इन ब्रैकेट इस टी को कितना लिखना है, इस टी को आप एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर लो और माइनस टी नॉट। तो ये एक इक्वेशन आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सिमिलरली सेकेंड केस में आप इसी चीज को रिपीट मार दो तो ये बनेगा टी थ्री प्लस टी फोर डिवाइड बाई टू, दैट्स एवरेज। इक्वेशन बनेगा हायर टेम्परेचर इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई टाइम टी डैश इज इक्वल टू के द सेम वैल्यू, एवरेज वैल्यू टी थ्री प्लस टी फोर बाई टू माइनस टी नॉट। आप देखोगे इनको सॉल्व करना भी आसान है और आंसर भी जल्दी आ जाएगा, उससे भी बड़ी बात है कि ये कैलकुलेशन टफ नहीं रहेगी और आंसर क्लोज टू दी आंसर रहेगा जो एलन से आता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ये चैट काम है, ओके यहाँ पर। सो आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसके बेसिस पर जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने दिया था उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। सर ये डीटी बाय डीटी दिया है, हाँ dt by dt is basically delta t by delta t, right? So इसको हम ऐसा लिखेंगे, this is going to be minus delta t by delta t. That means temperature change divided by time change. और temperature change होगा final minus initial, minus लगा हुआ तो initial minus final. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं initial temperature minus final temperature divided by time difference, final time minus initial time.
और फाइनल टाइम आने से इनिशियल टाइम मतलब टाइम इंटरवल, तो उसी को हम टी लिख सकते हैं या डेल्टा टी लिख सकते हैं, टाइम इंटरवल। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया। तो वहां पर रेट लिखा था, यहाँ पर डिफरेंस लिखा। कॉपी करने के बाद जो प्रीवियस एग्जांपल था जिसको आपने क्वालिटेटिवली आंसर दिया था 10 मिनट से ज्यादा वाला, उसका एक बार आंसर निकाल के बताइए एग्जैक्टली कितना आएगा, हाउ मोर विल बी एज कंपेयर टू द 10 मिनट। अगर आपने कॉपी कर लिया तो मैं उसी एग्जांपल पे वापस चलता हूँ, स्लाइड नंबर 10 पर है। ये आपके कॉपी में भी लिखा होगा, एक मिनट का टाइम दीजिए, इसको यूज कीजिए। और लास्ट स्लाइड आपके पास ये है जिसमें फॉर्मुलेशन किया गया। कोई आंसर? आप एक्स्ट्रा वाला बता रहे होगा। ओके, सो आप पाओगे कि इसको कैलकुलेट करना आसान ही रहेगा। 16.66, तो ये स्लाइड आप अभी देख रहे हो जो हमने फॉर्मूला बनाया। अब हम लोग उसी स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो उसकी कैलकुलेशन मैं वहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन आएगी और क्या कैलकुलेशन आएगी वो दोनों बताते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कंडीशन के लिए टाइम लगाते हैं, तो ये आएगा 80 - 60 डिवाइड बाई टाइम विच इज मिनट। तो ये मिनट में है, वो डिग्री से बना रहने देते हैं क्योंकि हमारा आंसर भी कंपेयर करना है, तो आंसर भी उसी यूनिट पे दे देंगे। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू के टाइम्स द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू इज गोइंग टू बी 80 + 60/2, दैट इज बेसिकली 70 माइनस सराउंडिंग विच इज 20। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो कुछ ऐसा मिलेगा, 20 / 10 इज इक्वल टू के टाइम्स, ये बनेगा 70 - 20, दैट बिकम्स 50। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, यहाँ से k निकाल सकते हो। और इसके बाद अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन पे अपने को चाहिए 60 - 40 डिवाइड बाई अगेन t, ये t अपने को पता करना है, इज इक्वल टू k एवरेज वैल्यू। 60 टू 40 का एवरेज वैल्यू 50 आ जाएगी माइनस 20। सो अगर ये 50 आया तो माइनस 20 कर देंगे 30 बनेगा, तो ये बनेगा अपने पास 20 डिवाइड बाई t इज इक्वल टू k इंटू 30। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम हैंडल कर सकते हैं जस्ट बाय डिवाइडिंग। जब आप इनको डिवाइड करोगे 1/2 करने से आएगा t/10, 20 कैंसिल हो जा रहा है, k से k कैंसिल हो गया, 50/30 बेसिकली 5/3। तो अपने पास t की जो वैल्यू आ जा रही है वो 50/3 आ जाएगी मिनट, क्योंकि मिनट में आपने यूज़ किया था तो मिनट में ही आएगा, सेकंड में यूज़ करोगे तो सेकंड में आएगा। तो जिस तरह से भी आप यूज़ करोगे उसी तरह से इसको निकाला जा सकता है। इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, तो इसी की वैल्यू आप बोलोगे 16.48 हो जाएगा, 20 जाएगा तो 67 मिनट या उसके आगे कैरी कर सकते हो 666 करके। सो इस तरह से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अब देखो ये पहला कितना हुआ था, 10 मिनट में हुआ था, 20 डिग्री सेल्सियस का गैप जो आया था वो 10 मिनट में आया था। नेक्स्ट 26 डिग्री सेल्सियस का गैप जो आया वो 16 मिनट पे आया है और उससे ज्यादा इनफैक्ट। अगर आप चाहो तो घर पे इसको ट्राई कर सकते हो लॉग वाले फॉर्मूले से। लॉग वाले फॉर्मूले से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि अप्रोक्सीमेटली इसी के रेंज पे जाएगा। सिंस वो सेम रेंज पे जाता है इसलिए हम उसको इस वाले मेथड से करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे हम हमारी कैलकुलेशन आसान होती है और क्विकली हम लोग इसको आंसर दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस देता हूँ, उसको आप कीजिए और आंसर बताइए। You will find key quite simple रहेगा और answer आ जाएगा। हाँ, इसको मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आप appropriately इसको मिनट और सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये जो स्लाइड में लिखा गया है आप इसको कॉपी कर सकते हो।
हमेशा के लिए याद रख सकता हूँ. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और करेक्ट आंसर की एक्सपेक्टेशन रहेगी. सपोज कर लीजिए ऐसा बोलते हैं आपसे कि बॉडी goes from 50 degree Celsius to 40 degree Celsius in 5 minutes. Find the temperature सिंपल कर देते हैं. टेम्परेचर भी पूछेगा तब भी आप बता सकते हो. फाइंड द टाइम इन विच इट विल कूल फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट outside temperature is 15 degree celsius. bahar ka jo temperature hai wo 15 degree celsius hai aur aapko batana hai ki 30 se 20 jane mein usko kitna time lagne wala hai. सो आप टाइम लेके करें लेकिन करेक्ट करें वो ज्यादा जरूरी है. सो आप ऐसा लिख सकते हो कि 50 डिग्री सेल्सियस से इसको 40 डिग्री सेल्सियस तक जाना है और कितना टाइम मांग रहा है. T1 की वैल्यू चाह रहा है. T1 शुड बी इक्वल टू 5 मिनट. इसके लिए इक्वेशन लगा देते हैं तो अपना फॉर्मूला क्या जाता है. हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर दैट्स टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स एवरेज ऑफ द टू दिस प्लस दिस बाय टू दैट इज 45 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर विच इज 15. सो दिस विल लीड टू एन इक्वेशन लाइक 10/5 इज इक्वल टू के टाइम्स. ये एक डिफरेंस आ जाएगा 30 का. ये पहला इक्वेशन बन गया. फिर आप देखो कि फर्दर क्या बोल रहे हैं. 30 डिग्री सेल्सियस से जाना है इसको कहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस पर और इसके लिए टाइम कितना बोल रहे हैं. ये टी है यही अपने को पता करना है. सो लगाते हैं फॉर्मूला. 30 माइनस 20 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू द सेम के बिकॉज देयर इज द सेम बॉडी. डिफरेंस डिफरेंस मीन्स एवरेज ऑफ दिस. एवरेज ऑफ दिस इज 25 माइनस 15. So this will lead to 10 divided by t is equal to k times the number and that number is 10, equation number 2. Now you just go for simple calculation, that is you can divide 1 by 2. So jab aapas mein divide karoge 10 se 10 cancel ho jayega. T by 5 is equal to k se k cancel ho jayega 3 aa jayega. T ki value 15 minute aa jayegi. सो आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उनमें से एक 15 मिनट ऑप्शन ज़रूर होगा. नहीं होगा तो नन ऑफ दीज होगा. तो उसको आप मार्क कर लोगे. मार्क करने के बाद उसका आंसर बता लोगे. चलता है. सो 15 मिनट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ओके. सो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपका कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ने के बाद फिर केटीजी को स्टार्ट करेंगे. सो जस्ट गो थ्रू दिस टुडेज लेक्चर. काफी इम्पोर्टेंट है. कुछ डाउट कंसर्न रहा हो तो आप पूछ सकते हो.
एनी डाउट एनी कंसर्न? ओके इफ देयर इज नन वी कैन वाइंड इट ऑफ देन. Thank you, everyone, then.